चलिए चलिए, कल जो पढ़ा दिए थे उसका रिवीजन करेंगे पहले फटाक से, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन अब, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जितने भी थे सब याद है। सबसे पहला, साइन थीटा अगर है तो डी साइन थीटा अगर है तो नीचे में क्या लेंगे, ये पहले बताइए। डी एस बोल रहा है, देखो डी थीटा, तो साइन थीटा का जब यहां थीटा यहां दोनों जगह मिलेगा तब क्या आंसर होगा, कॉस थीटा। अगर यहां पे डी साइन एक्स लेंगे तो नीचे में क्या लेंगे, डी एक्स, तब क्या होगा आंसर, ये तो सबको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं, साइन का क्या बताए थे डिफरेंशिएशन, कॉस, और कॉस का क्या बताए थे, साइन का कॉस और कॉस का, साइन का कॉस और कॉस का, उसके बाद में आ जाइए टैन का क्या बताए थे और कॉट का क्या बताए थे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जितना भी सी वाला होगा सब क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर सेक का क्या होगा सिखाए थे ना, जहां से शुरू वहीं से शुरू करना है, सेक का सेक गुने टैन, फिर कॉसेक का क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, छह का छह याद है सबको। साइन का क्या होगा, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, छह याद हो गया। उसके बाद में चार तो और था, पहला x का पावर n है तो उसका क्या होता है n x n माइनस वन, और यहां पे d लिए तो नीचे में क्या लेंगे बताइए, क्या लेंगे dx, तो dx का पावर n by dx क्या होगा आंसर, n x का पावर n माइनस वन, पावर लिखना है पहले फिर x लिखना है, पावर माइनस वन कर देना, ठीक है याद रहेगा। उसके बाद बताइए e का पावर x का, e का पावर x, a का पावर x का, ए का पावर एक्स लॉग ए, उसके बाद में लॉग एक्स का, और बेस ई के लिए होता है ये, अगर बेस बदल जाएगा तो दूसरा होगा, लेकिन अभी इतना स्टैंडर्ड याद रखना है। एक्स के पावर एम का क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, ई का पावर एक्स का, ए का पावर एक्स का लॉग ए, और लॉग एक्स का, ये सबको याद है। चलिए देखिए, चलो कोई ज्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है अभी। चलिए उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल तो जानते हैं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक तो क्वेश्चन देते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, y बराबर दिए हुए हैं, हाँ करिए जल्दी से, एक्स क्यू प्लस वन बाय रूट एक्स, उसके बाद में रूट एक्स का भी आप लोग बनेगा, चलिए वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री एक्स थ्री का पावर एक्स, चलिए करिए इसका छोटा सा जोड़ घटाओ वाला पहले, चलिए लिखिए करिए क्वेश्चन लिखिए। चलो कल वाला वीडियो जो है तो देख लेना है, कल और आज दो ही दिन क्लास हुआ है डिफरेंशिएशन का, बहुत भारी नहीं है, ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है कि हमको नहीं आता है, उस तरह का नहीं सोचना, कल एक दिन हुआ तो यूट्यूब पे डाला हुआ देख लेना है, फिर उसके बाद आज का देखना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, ट्राई करिए। चलिए अब करें शुरू करें, चलिए चलिए इसको निकालना है क्या हमको, डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले किसका होगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो चीज याद है कि नीचे में कोई भी चीज है ऊपर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, माइनस में चल जाएगा, पता है कि नहीं पता है, अगर नीचे में एक्स स्क्वायर है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस टू, एकदम अच्छे से याद रखना है। तो देखिए ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर माइनस टू बट्टे डी एक्स, और माइनस डी टेन एक्स बट्टे डी एक्स प्लस डी थ्री का पावर एक्स बट्टे डी एक्स, बहुत भारी
अब आराम से करिए, पावर वाला आ गया तो पावर है तो पीछे पावर आगे फिर थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये समझ में, जिसको नहीं तुरंत पूछ लेना है। पावर माइनस वन हो जाता है इसलिए टू हो गया, ठीक है। प्लस एक्स का पावर माइनस टू है तो पहले माइनस टू आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस टू आएगा पहले, फिर उसमें से एक क्या करेंगे, समझे बात, पावर पहले फिर x और पावर में से एक घटा देंगे, याद रहेगा। उसके बाद में tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, और 3 का पावर x का क्या होगा, बोलिए, log 3 x log 3 टू द पावर x log 3, लिखिए जल्दी से, मिलाइए। अगला क्वेश्चन y बराबर अंडर रूट x, इसका करिए पहले, और दूसरा एक और है y बराबर 1 बाई एक्स, इन दोनों को करिए। आज खाली क्वेश्चन क्वेश्चन, जितना भी टाइप का पॉसिबल है वो कोशिश करेंगे, दो चैप्टर का आज खत्म कर दें, 10 ए और 10 बी। हाँ तो अभी तो इतना भी छोड़ दिया, आगे अब नहीं कर लीजिएगा आप। ये हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2x का पावर माइनस 3 माइनस sec स्क्वायर x प्लस 3 का पावर x log 3, और 3x का पावर माइनस 3 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में x क्यूब हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर कोई चीज माइनस में रहता है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देखिए इधर का भी लिख देते हैं, पहले उसको उतार लीजिए फिर बताते हैं। हाँ कहीं पे भी रूट एक्स लिखा हुआ है मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2, कहीं पे 1/√x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा बता, 1/x का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस 1/2। कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब कितना होगा, क्या होगा बताइए, हाँ एक्स पावर में कितना होगा, 1/3, ये भी नहीं पता है, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे 7√x, तो इसका मतलब कितना होगा, एक्स के पावर 1/7, समझ गए बात। और ऐसे बताइए देखो बात, माइनस 2√ ऐसे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, नहीं होता है, नेगेटिव पावर नहीं जाते रे बता, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही रहेगा हमेशा, नेगेटिव भी ले लिए तो ले लिए वैसे नहीं। और यहाँ पे भी ना 3 का पावर x लिखे है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, माइनस 3 का पावर x देके डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ पे जब भी रहेगा ना 3 का पावर x, ये लिखे थे ना a का पावर x, उसमें a हमेशा पॉजिटिव ही होगा, समझे बात। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ाया जाता है, ये सब ध्यान रखना, चलिए ये समझ गया ना, ये वाला निकाल लिए रूट एक्स का कितना आया, और x के पावर माइनस 1/2 है तो वो नीचे जाएगा तो x के पावर प्लस 1/2, और x के पावर 1/2 रहता है तो क्या आता है, रूट एक्स आता है, समझे बात। उसका आंसर 1/2 रूट एक्स आएगा, देखिए dy बट्टे dx बराबर डिफरेंशिएशन x के पावर कितना होगा, सब लोग बताओ, 1/2 बट्टे में dx करेंगे, फिर पावर वाला आ गया, पावर पड़ोसी पावर माइनस 1, ऐसे याद रखना है, पावर पड़ोसी x हो गया पड़ोसी और पावर माइनस 1, तो देखिए 1/2 x का पावर 1/2 में से एक घटता था तो कितना होता था, माइनस 1/2। अब इसको लिखते हैं 1/2, अब देखिए x के पावर माइनस 1/2 नीचे आके x के पावर 1/2 हो जाएगा प्लस में, ये समझ में आया कि नहीं, ऊपर में अगर माइनस रहता है तो नीचे आके प्लस हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पता है ना। अब ये हो गया क्या 1/2, और x के पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, रूट एक्स, लिखिए जल्दी से, जहां समझ में आया पूछिए, अभी आ गया, लिखिए जल्दी से। ना दिख रहा है, आज हम यहाँ पे लगाते हैं मरकरी, हाँ यहाँ से होना भी चाहिए, वो साइड से ना लाइट मारता है पीछे से, हाँ कमेंटों में आया था कि वहां पे जो है सब चमकते रहता है, हाँ बोर्ड पे नहीं दिखते रहता है। देखिए 1/2 x के पावर माइनस 1/2, अच्छा हाँ क्या है, माइनस 2, तो जब भी माइनस 2 लेना तो नीचे ला लीजिए उसको, हाँ माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ये पता है ना रूट एक्स, मतलब ये सब समझ गया, फिर नहीं लिखाएंगे, बार बार आएगा,
समझे ना, और कहीं भी लिखा हुआ है x का पावर माइनस टू मतलब नीचे में क्या होगा 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा, और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 1 बाय x क्यूब मतलब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 3, तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बदल जाता है ठीक है ना, ध्यान रखना है ये सब चीज, छोटा क्लास छठा क्लास का है ये सब, छठा वाला बच्चा पढ़ते रहता है ठीक है। चलिए ये हो गया y बराबर 1 बाय x का करें, y बराबर 1 बाय x का करें, अब y बराबर 1 बाय x तो एक मिनट सुनिए, 1 बाय x है ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना होगा माइनस 1, वेरी गुड, y बराबर x का पावर माइनस 1 हो गया, तो dy बट्टा dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर माइनस 1 बट्टे dx। अब देखिए फिर पावर, पावर हो गया पहले पड़ोसी, x हो गया माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 बट्टा x का पावर माइनस 2 होता तो नीचे में लिख लिया x स्क्वायर, तो हो गया ये आंसर माइनस 1 बाय x स्क्वायर, पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 ठीक है। ले लीजिए करवाए आप, देखिए रूट हो स्टैंडर्ड है, दोनों को रट ये लेना है, रूट एक्स का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो डायरेक्ट कितना बताना है 1 बाय 2 रूट एक्स निकाले है ना अभी, और 1 बाय एक्स का कोई पूछे तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ई ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है इसलिए बता दें, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स और 1 बाय एक्स का क्या होगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, निकालने के लिए भी आता है क्योंकि रूट एक्स से निकलवा दिए 1 बाय 2 रूट एक्स और 1 बाय एक्स का ये भी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकलवाया ना, रट भी लीजिएगा स्टैंडर्ड में ही रट लीजिएगा रूट एक्स, ये समझ में आया कि नहीं तुमको, ये वाला चीज अभी बताया सो नहीं आया ना, ठीक है कोई बहुत बड़ा भारी चीज नहीं पढ़ा है। देखो डिफरेंशिएशन x का पावर n बट्टे dx होता है, अब ये लिखा है स्टैंडर्ड x के पावर n है ना, तो n आएगा पहले फिर x n माइनस 1 होता है ठीक है, तो देखो x का पावर कितना था माइनस 1 था ना, माइनस 1 था ना, तो माइनस 1 आया पहले फिर x आया और माइनस 1 माइनस 1 आया, समझे बात, देखो फार्मूला x के पावर n रहता है तो क्या होता है n x n माइनस 1, तो x का पावर माइनस 1 था तो माइनस 1 x का पावर माइनस 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर आ जाएगा, समझे बात, 10 मिनट रुक जाना है कॉपी अभी नोट करते रहो लास्ट में जो है क्योंकि कल नहीं आए थे तो हो रहा है ये हो गया यहां तक, अब चलिए हाँ कल वाला देख लेगा तो आराम से समझ में आएगा, y बराबर चलिए एक तो देते हैं रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय 2 का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, चलो करो सबको आंसर इसका मिलना चाहिए, बहुत खतरनाक नहीं है बस प्रोसेस फॉलो करना है। अब ये सिखाया था क्यूब रूट ऑफ एक्स रहता तो एक्स का पावर कितना होगा यहाँ पे एक्स का पावर 1 बाय 3, और नीचे में अगर प्लस 1 बाय 3 है तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 3, लिखो एक्स का पावर माइनस 1 बाय 3, उसको डिफरेंशिएट करो पावर पड़ोसी पावर माइनस 1 ठीक है, ये क्वेश्चन लिखे एक्स रूट एक्स का मतलब कितना होगा एक्स का पावर कितना रूट एक्स जो है मतलब एक्स का पावर कितना होगा 1 बाय 2 होगा, नहीं बताया ना ये रूट एक्स रहे तो एक्स का पावर 1 बाय 2, फिर रूट एक्स है तो एक्स का पावर 1 बाय 2, क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो मतलब एक्स का पावर 1 बाय 3, समझे बात, 2 का पावर एक्स का तो पहले से बताया हुआ है, करिए जल्दी से वन बाय टू के पावर एक्स का अगर ना हो रहा हो ना 2 का पावर एक्स इसको कर लीजिएगा 2 का पावर x, 2 का पावर माइनस x का भी चेन रूल आपको 2 का पावर माइनस x हो जाएगा ना, इसलिए चलिए 2 का पावर x से का भी करिए ठीक है, अभी चेन रूल ने बताया अच्छे से उसको अभी करवाएंगे तो पढ़िएगा 2 का पावर x से कर लीजिए उसको। थोड़ा आसान कर देंगे उसको अभी हो जाएगा 1 बाय 2 का पावर x भी होगा, अभी थोड़ा सा बेसिक वाला करवाया Thank you.
सुन करें, रूट एक्स मतलब कितना होगा एक्स अपार बताइए। इधर तुम दोनों देखो, पहले उतारना नहीं, इधर इधर देखो, पीछे देखो इधर। हाँ, रूट एक्स का मतलब एक्स अपार कितना होगा, वन बाय टू प्लस वन बाय रूट एक्स है मतलब वन बाय एक्स का पावर वन बाय टू माइनस वन बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स है मतलब एक्स का पावर वन बाय थ्री प्लस टू का पावर कितना है एक्स प्लस लॉग एक्स, यही है ना। अब देखो तो इसको लिख लेते हैं, एक्स का पावर वन बाय टू में तो पहले फड़ा नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर, और ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर माइनस वन बाय थ्री, और फिर उसके बाद में प्लस टू का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कितना मेरी दिक्कत है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, y बराबर ये है तो हमको निकालना है dy by dx, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, dx का पावर 1 by 2 बटे dx प्लस dx का पावर माइनस 1 by 2 बटे dx माइनस dx का पावर माइनस 1 by 3 बटे dx प्लस d2 का पावर x बटे dx प्लस d log x बटे dx। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक मैंने देखिए। अब स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन बस आना चाहिए, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी सिखाया है ना, x का कोई भी पावर है तो इसका डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे पावर, फिर क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे n माइनस वन, समझे बात। अब देखिए तो x का पावर 1 बाय 2 है तो पावर कितना है 1 बाय 2, तो पहले क्या लिखेंगे, ढंग से देखो 1 बाय 2, और x का पावर कितना होगा 1 बाय 2 माइनस 1, फिर उसके बाद में प्लस है और माइनस 1 बाय 2 था तो ये लिखिए माइनस 1 बाय 2 पावर, फिर x माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ठीक है, फिर माइनस और एक्स का पावर माइनस वन बाई थ्री तो क्या लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री, एक्स का पावर कितना होगा बताइए माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, और टू का पावर एक्स का क्या सिखाए हैं, ये तो डायरेक्ट है टू का पावर एक्स लॉग टू, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, समझे बात। ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं किया, अब लिख सकते हैं क्या सब कुछ, वन बाई टू और ये एक्स का पावर वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू, तो नीचे लिख लिया डायरेक्ट वन बाई टू रूट एक्स, नहीं समझ आया, फिर उसके बाद माइनस वन बाई टू और एक्स का पावर माइनस थ्री बाई टू, फिर माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री और एक्स का पावर कितना होगा माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू का पावर एक्स लॉग टू प्लस वन बाई एक्स, बाकी कैलकुलेशन खुद कर लेना, माइनस है तो नीचे आगे प्लस हो जाएगा, है ना। नहीं हाँ, ये लिखा हुआ है ना वन बाई टू एक्स का पावर माइनस थ्री बाई टू, इसको वन बाई टू एक्स का पावर थ्री बाई टू लिख सकते हैं, समझे बात, नीचे ले जाके। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स पावर माइनस फोर बाई थ्री, इसको क्या लिखेगा वन बाय एक्स का पावर फोर बाय थ्री, ऐसे रूट में ले जा सकते हैं, रूट में कैसे ले जाएंगे पता है, देखिए सुनिए, अगर एक्स का पावर वन बाय टू रहता था तो क्या करते थे अंडर रूट में एक्स, अगर एक्स का पावर थ्री बाय टू लिखा हुआ है, सुनिए पहले थ्री थ्री एक्स ने ये थ्री इंटू वन बाय टू इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं, थ्री बाय टू को थ्री इंटू वन बाय टू नहीं लिख सकते हैं, तो ये होगा अंडर रूट में वन बाई टू है तो ये तो टू वाला हो गया और एक्स का पावर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, समझे, अंडर रूट में क्यूब रूट चला जाएगा, समझे बात। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्स का पावर कितना फोर बाई थ्री लिखा हुआ है तो फोर इंटू वन बाई थ्री इसको लिख सकते हैं, वन बाई थ्री मतलब क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा, थ्री हो गया और एक्स का पावर कितना है फोर, ऐसे लिखते हैं, समझे बात। वैसे इस तरह से भी आंसर आपको मिल सकता है तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिखते हैं, वैसे उतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको रूट में लेके आंसर दिया रहे तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए थ्री इंटू वन बाय टू, तो वन बाय टू जब भी आए ना तो टू आ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना मतलब टू है, ऑटोमेटिकली टू रहता है, समझे बात। हाँ यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, खतरा कौन मोल ले, छोड़िए हटा ये उतना ही छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन कराएंगे, हाँ ऊपर वाला बस मिटा दे, देखिए अब अगला पावर बेस एंगल वाला क्वेश्चन करवाए, हाँ अब समझ में आ रहा है ना। हाँ, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 बजे आके पढ़ लेना है, जिसका भी छूटा हुआ है 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो है सो आके सीख लेना है सारा, 3:30 बजे तक रहते हैं बैठे हुए, ठीक है, 2 बजे फुर्सत रहता है कि दूर से आते हो, बहुत दूर से, बहुत दूर है घर, दिक्कत ठीक है, कोशिश करेंगे कैसे भी करा दें, पीछा वाला छूटा हुआ उसको पढ़ना है।
क्या हो गया? आप कहाँ से समझाए, कहाँ से शुरू करें? शुरू से समझाए। एक्स का पावर 1/2 था तो पावर पहले, फिर एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 करोगे, और बीच में प्लस था तो क्या लिखोगे? प्लस। और एक्स के पावर माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2, एक्स के पावर माइनस 1/2 माइनस 1 करोगे, बीच में क्या है? माइनस। फिर माइनस 1/3 और एक्स के पावर माइनस 1/3 माइनस 1 करोगे, और फिर 2 का पावर एक्स का, ए का पावर एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या था? ए का पावर एक्स लॉग ए, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर एक्स लॉग 2, और लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x। समझे बात? अब उसके बाद में सिंपलीफिकेशन किए हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, बोलो ना, वही तो नहीं आता है सर। PBA एंगल, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है? पावर का, फिर एंगल का। पावर मतलब समझते हो कि नहीं? स्क्वायर वाला, क्यूब वाला जो रहेगा पावर वाला, और नीचे में बेस क्या क्या रहेगा? बेस देखो, बेस क्या क्या हो सकता है? साइन हो सकता है, कॉस, जितना भी एक्सटेंडेड डिफरेंशिएशन पड़े हैं सब क्या है? बेस है। समझे बात? तो बेस का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब, ठीक है, और पूछेगा कि साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो हम सोचेंगे सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है? कॉस, और एक्स क्यूब को कुछ नहीं करेंगे, कॉस एक्स। जब बेस का करेंगे तो सिर्फ बेस को दिखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है टेन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर? बता, sec स्क्वायर और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। समझे बात? जब पावर का करेंगे तो पावर वाला फॉर्मूला कौन था? बस पावर देखेंगे तो सिर्फ पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n x n माइनस 1। समझे बात? जब बेस का करेंगे तो सिर्फ बेस को देखेंगे, और एंगल तो जानते ही हो, एंगल वाले में जो लगेगा वो लगा देंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो कोई इधर देखो क्वेश्चन, पावर बेस एंगल भी पहला करते हैं। y बराबर जैसे हमको दिया हुआ है sin स्क्वायर एक्स क्यूब, करो जल्दी से इसका, करो तो ये करो जल्दी से, पावर बेस एंगल पे चेन रूल पे आ गए हम लोग। हाँ एंगल, हाँ पावर बेस एंगल, पावर इसमें कितना है? दो है। समझे बात? पावर कितना है साइन का? दो है। बेस कौन है? बेस रे बता, साइन एक्स क्यूब। समझे, समझे कि नहीं? और एंगल कितना है? एक्स क्यूब। तो कितना स्टेप में क्वेश्चन होगा? तीन स्टेप में। समझे कि नहीं? तो देखो, पहला होगा डी वाई बाई डी एक्स, हमको निकालना है बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब का क्या है, होल स्क्वायर है ना, बट्टे में। देखो जब पावर का करते हैं, सुनो पहले, यहां पे जाके बच्चा बार बार गलती करेगा, एक ही बार सिखा रहे, नक्सी सीख जाओ। देखो पावर है यहां पे कितना? दो। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन बट्टे डी एक्स, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो यहां पे जो रहता है नीचे में भी क्या चाहिए? वही चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साइन एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो नीचे में क्या चाहिए, बोलो? साइन एक्स क्यूब चाहिए। ये बेस को ले लेंगे नीचे में, समझे? और यहां पे जो आएगा वही क्या लिखेंगे? यहां पे साइन एक्स क्यूब। अब देखो, फिर अब क्या लिखेंगे? एंगल क्या था? एक्स क्यूब। तो क्या लिखोगे नीचे में? डी एक्स क्यूब। पढ़े थे ना डिफरेंशिएशन, क्या पढ़े थे? साइन एक्स बट्टे में क्या पढ़े थे? तो यहां पे जो चाहिए वही, तो यहां पे एक्स क्यूब है तो यहां पे भी क्या चाहिए? एक्स क्यूब। समझ रहे हो बात? अब और फिर क्या लिखोगे यहां पे? डी एक्स क्यूब बट्टे में। अब समझे बात? ये बहुत खतरनाक है, नहीं तो यही पे ज्यादा क्वेश्चन बच्चा फंसते रहता है। देखो अब क्या हो जाएगा? टू, सुनो टू, और बेस के साथ कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही, ये जैसा है, और एक्स का पावर कितना होता है? एन। देखो पावर जो रहता है वही टू माइनस वन, वन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझे? इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो साइन है बेस, तो क्या बोले हैं? बेस का जब करेंगे तो साइन का क्या लिखेंगे? कॉस, और एक्स क्यूब को कुछ नहीं करेंगे, कॉस एक्स क्यूब। और फिर देखो एक्स क्यूब का कितना होगा? स्क्वायर। यही हो गया आंसर, लिख लो। अब बेस से करना है दूसरा। हाँ बोलो, आप क्या पूछना है? तो dx बटा dx करोगे तो 1 हो जाएगा, आगे बढ़ा सकते हो, dx बटा dx लिखो तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए वहां जाके रुक गए, ठीक है। tan का पावर 5x क्यूब, चेन रूल पे बहुत क्वेश्चन है, चेन रूल बढ़िया से आओ, क्योंकि चेन ए में पूरा चेन रूल है, चेन रूल बिना सीखे नहीं बनेगा, आज पूरा आप एक लाइन से करते चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
हो गया, ये बना लिए, वेरी गुड, बनाइए बनाइए बनाइए, तो कल क्वेश्चन लिख लिया क्या? बनाया ना, गुड। क्या करेंगे देख लीजिए, जो नहीं बनाया वो देखिए इधर, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है हमको, फिर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आराम से, देखिए टी टेन का पावर कितना है, 5 है, वेरी गुड। तो ये लिखिएगा tan x क्यूब तो है ही, और इसका पावर कितना है 5। जब लिखते हैं dx का पावर n तो नीचे में क्या लिखते हैं, देखो इधर d tan x क्यूब पर 5 लिखे, तो x का पावर n लगाया तो नीचे में क्या चाहिए, dx चाहिए ना, x क्या है tan x क्यूब है, लिख लिए, इनटू क्या लिखेंगे x क्यूब, और tan x क्यूब है तो नीचे में क्या चाहिए dx क्यूब गुणे फिर करिएगा, आप देखिए पावर है 5 तो क्या होगा पावर ऐसे ही लिखेंगे, और इसका पावर ये समझे बात, समझे कि नहीं, पावर माइनस वन, 5 माइनस वन 4, और टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर बताइए एक्स क्यूब का कितना होगा, हाँ 3, और एक्स का पावर 3 माइनस वन यानी कि 3x स्क्वायर, समझे बात, आया आप भी आया कि नहीं आया, आ रहा है क्लिप कराए, हाँ सही, तो इसको क्या करेंगे का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, इसको ये नहीं लिख देना है साइन एक्स का ऐसे होल, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये जो पावर एसएल चढ़ा हुआ है ना, ये मतलब साइन का पावर है, और ये किसका पावर है, एंगल का पावर है, समझे बात, दोनों में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिए, चलिए कर लीजिए, समझाती है बार बार, दो तीन बार समझाती है, अब करिए अगला, वाई बराबर लॉग स्क्वायर एक्स का पावर 5, करिए वाई बराबर लॉग स्क्वायर एक्स का पावर 5, सेम सेम मेथड, कुछ भी चेंज नहीं करना है, पावर बेस एंगल, पावर बेस एंगल रट जाना चाहिए पूरा, पहले पावर का फिर बेस का फिर एंगल का, देखिए माइक चल रहा है ना, गया डाउन हो गया, चल रहा है, ऐसा ना कि सारा एनर्जी वेस्ट हो जाए, वाई बराबर लॉग स्क्वायर एक्स प्लस, हाँ 5 इंटू फिर एकदम सही, वेरी गुड, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, देखिए जिसका भी गलती हुआ है देख लीजिए, लॉग स्क्वायर एक्स पावर 5 है, मतलब लॉग एक्स का पावर होल स्क्वायर है, ये तो समझ रहे हैं, तो डी लॉग एक्स का पावर 5 का कितना है, होल स्क्वायर है, तो डी एक्स का पावर एन हुआ तो नीचे में क्या रहना चाहिए, डी एक्स लॉग एक्स का पावर 5, और फिर क्या रहना चाहिए, डी लॉग एक्स का पावर 5, नीचे में क्या आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए, इतना जो लिखने आ गया जिसको उसका मतलब आ गया उसको, समझे, पावर हो गया 2, तो पावर आगे फिर लॉग एक्स के पावर 5, और 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 2 माइनस 1 करिएगा अभी तो 1 हो जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना, फिर लॉग का क्या होता है 1 बाय, और एक्स कितना था 5 था, और एक्स के पावर 5 का 5x 4, समझे बात, अब लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स के जगह पे का है, तो एक्स पावर 1 बाय एक्स पावर 5 होगा, समझे बात,
ई की नहीं ई ई नहीं समझ में आया। एक्स का पावर पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है एन, एक्स का पावर एन माइनस वन तो पांच, और एक्स का पावर पांच माइनस एक नहीं होगा। अब आया अभी भी दुख है नहीं दुख है ना जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन वाई बराबर लॉग साइन एक्स इसका करिए तो वाई बराबर लॉग साइन एक्स का वाई बराबर लॉग और साइन एक्स देखो देखो थोड़ा सा घुमा दिए अब कैसे करेंगे सर पावर है इसमें कुछ और पावर तो ना है तो पावर नहीं है जो चीज नहीं है उसको कहे करेंगे हम समझे पावर नहीं है तो बेस तो है लॉग तो बेस का करेंगे लॉग साइन एक्स का करेंगे पहले फिर एंगल का करेंगे समझे बात करते हैं अभी हम कर देते हैं नहीं नहीं हुआ थोड़ा सा घुमा दो सब बेहोशी में आ जाता है। वाई बराबर कितना है लॉग साइन एक्स लॉग का कुछ पावर है नहीं है तो एक स्टेप कम हो गया दूसरे पे स्टेप बचा क्या क्या बेस और एंगल तो हमको क्या निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स मतलब डी लॉग साइन एक्स लॉग का डिफरेंशिएशन कब होता है नीचे में क्या होना चाहिए जो आगे में है वही नीचे में होना चाहिए तो क्या चाहिए डी साइन एक्स होने क्या करेंगे डी साइन एक्स और नीचे में क्या चाहिए जो आगे में है वही समझिए बात लॉग का क्या होता है वन बाय एक्स का जगह पे साइन एक्स और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स और ये क्या हो गया कॉस एक्स बाय साइन एक्स कितना होता है देखो कॉस एक्स बाय साइन बोले कॉट एक्स टैन एक्स बोल रहे कॉट एक्स होता है ना हो गया आंसर कॉट एक्स बहुत भारी है ऐसे ही करते चलना है अभी बहुत इतना करवाएंगे क्वेश्चन की रट जाएगा पूरा ऐसा ही है लॉग रूट एक्स करिए हाँ अब तो उस दिन का रिटर्न वाला है वो सब्जेक्टिव टेस्ट है सैटरडे को सैटरडे सैटरडे ये सैटरडे को रिटर्न वाला है ऐसा लॉग रूट एक्स करिए लॉग रूट केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक अच्छा अच्छा ठीक है देख लेंगे वो बाद में ठीक है लॉग रूट एक्स बनाइए लॉग रूट एक्स वाई बराबर लॉग रूट एक्स करिए y बराबर log root x करिए जल्दी से करिए log root x बनाइए वाई बराबर लॉग रूट एक्स बनाइए पहले लॉग का कोनो पावर है नहीं ना है लॉग स्क्वायर लॉग क्यूब तो नहीं दिया हुआ है पावर रहेगा अगला क्वेश्चन लेते हैं ठीक है पहले बिना पावर वाला बनाइए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी लॉग रूट एक्स बट्टे में क्या लेंगे बताइए डी रूट एक्स लॉग के आगे में जो है वही नीचे में रहेगा तब ना डिफरेंशिएट होगा डी रूट एक्स और फिर डी रूट एक्स इधर लिखेंगे बाय डी एक्स समझे बात अब देखिए अरे बातचीत लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन वन बाय और एक्स का जगह कितना है हो गया रूट एक्स मतलब डी एक्स पावर कितना वैसे हम रूट एक्स डायरेक्ट लिखा दिए क्या होता था वन बाय टू रूट एक्स लिखा है ना उधर स्टैंडर्ड में चलिए कोई नहीं वन बाय रूट एक्स इंटू एक्स का पावर वन बाय टू एक्स का पावर माइनस वन बाय टू ये होगा ना नहीं होगा बार बार एक ही चीज तो कर रहे हैं ये हो गया वन बाय रूट एक्स और ये हो जाएगा वन बाय टू रूट एक्स तो वन बाय रूट एक्स एक्स हो गया तो वन बाय टू एक्स हो गया हल्लू क्वेश्चन सब है अब स्क्वायर वाला बोल दिया कोई स्क्वायर वाला कराते हैं वाई बराबर लॉग स्क्वायर चलिए क्यूब रूट ऑफ एक्स ले लेते हैं ठीक है थोड़ा सा अलग क्यूब रूट ऑफ एक्स करिए कहाँ रे तो वन बाय टू तो लिए वन बाय टू एक्स वन बाय टू रूट एक्स ठीक है अरे बता टू 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 हो गया रूट एक्स एक्स नहीं होता है रूट रूट गुना होगा तो रूट हट जाएगा जोर घटाओ गुना भाग तुम लोग का बहुत ही कमजोर है चलो करो उसको लॉग स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स चलिए कोई बात क्यूब रूट ऑफ एक्स करिए
लॉग स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एक्स, खुद से करने का प्रयास करिए, एक ही चीज बार बार आएगा। बोले थे ना थ्योरी, थ्योरी वाला जो पोर्शन था कल खत्म हो गया है, उस वाले वीडियो को देख लेना है, ठीक है, घर पे जाके तुरंत पूरा एक लाइन से पढ़ाया हुआ, बढ़िया से नोट बना लीजिएगा और तब आज वाला देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ज्यादा झगड़ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, मैथ ही बहुत हल्लुक है, मैथ में किसी का क्वेश्चन गलत हुआ था, 18 का 18 था सही सम में, सम वाले बैच में 72 था उसमें पूरा, 18 का 18 सत्यम का भी सही था और उसका भी, वो क्या नाम है उसका, नंदिनी, नंदिनी नाम है, क्या नाम है, हाँ सत्यम का पूरा, सत्यम का पूरा सही था, उसके बाद में नंदिनी है उसका सही था और एक और लड़की है उसका सही था, पूरा कंप्लीट सही था मैथ का, बना लिए, बैठ गया सब बना बना, रे देखो इधर, डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, लॉग स्क्वायर है ना, इसको पहले लॉग क्यूब रूट ऑफ एक्स के साथ कुछ नहीं करेंगे ना, जब पावर का करते हैं तो किस पे ध्यान देते हैं, सिर्फ पावर पे, पावर कितना है, ए, बात नहीं करो, पावर कितना है 2, जब x का पावर n लिखते हैं नीचे में क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे ना, log क्यूब रूट ऑफ x से लिख लिया, उसके बाद में देखो यही चीज कहां लिखेंगे, d log और नीचे में अब क्या लिखेंगे, log के आगे में जो है वही ना d, और फिर क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स, इतना समझे बात, ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है लिखने, अब तो डिफरेंशिएशन है, हो गया उसका लिखे, ये समझे, कहीं दिक्कत है इस लाइन में तो बोलो, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, तो देखो लॉग, अब पावर है, पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर 2 हो गया, फिर लिखेंगे लॉग क्यूब रूट ऑफ एक्स और पावर माइनस 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो इतना हो गया खत्म, ये वाला खत्म, अब देखो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स का पावर कितना है, 1/3, तो पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 एक्स का पावर 1/3 माइनस 1, समझे बात, हो गया खत्म, अब इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग आता होगा, इतना लिखिए पहले, पावर फिर बेस फिर एंगल, यही कर रहे हैं, अरे कुछ क्यूब रूट ऑफ एक्स, अब फिर से डिफरेंशिएट करोगे, अरे बता हो गया ना, डिफरेंशिएट कर दिए, अब लिखना हो ना तो ऐसे लिख सकते हो, 2 लॉग और क्यूब रूट ऑफ एक्स तो ये स्टैंडर्ड ही है, इसको कोई कुछ नहीं करना है, अब उसके बाद में क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो इसको ज्यादा मन करे तो ऊपर ले जाओ, नहीं तो ऐसे ही ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस 1/3 था तो यहाँ पे 2/3 कर लो इसको, 1/3 को इधर लाओगे तो 2/3 हो जाएगा, गुना में है ना सब, उसके बाद में x का पावर कितना है 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3 तो माइनस 2/3 को नीचे ले जाओगे तो प्लस 2/3 हो जाएगा, 1/x का पावर 2/3, ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं, और क्या जोर घटाओ गुना भाग, और क्या लॉग e का पावर x, उतार लिए लॉग, ये बनाओ, बना लिए तो ये लॉग e का पावर एक्स, वाई बराबर लॉग e का पावर एक्स बनाओ, आ गया लॉजिक पर एक्स्ट्रा, कितना आंसर है, 1 एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा सीखने लग गए, dy बट्टा dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, log e का पावर x, log के आगे में जो रहता है नीचे में वही लेना है, into d e का पावर x बट्टे dx, और log का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
वन बाई एक्स, तो वन बाई ई का पावर एक्स और गुने ई का पावर एक्स कितना आ जाएगा, बहुत आसान। अब हम टेन ए का एक से लेकर दस नंबर तक लिखेंगे और सोल्व करेंगे अभी फटाक से। हाँ, वन टू टेन ये उतार लिए सब, ये उतार लिए। अब देखो बात नहीं करो, एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर वन, चलो एक से लेकर दस नंबर तक। पहला क्वेश्चन है साइन 4x, y बराबर साइन 4x। दूसरा है y बराबर cos 5x। अरे बातचीत बात नहीं करो, y बराबर tan 3x। चौथा है y बराबर cos x क्यूब। पांचवा है y बराबर cot स्क्वायर x। छठा है y बराबर tan क्यूब x। सातवां है y बराबर cot रूट x। सातवां हो गया। आठवां y बराबर अंडर रूट tan x। नौवां है y बराबर 5 प्लस 7 एक्स का पावर 6। और दसवां है y बराबर 3 माइनस 4 एक्स का पावर 5। ये 10 क्वेश्चन अभी करेंगे ठटक से, एक से लेकर 10। 10A का 1 से 10 हो गया, ये लिख लो। टोटल है 34 क्वेश्चन, जितना होता कर दे एक्सरसाइज 10A में। 10 तो क्वेश्चन अभी करते हैं पहले, ठीक है। पहला एक तो कर दें, ये आप लोग करिएगा। देखो सब बोले कर दीजिए सर। y बराबर क्या है, साइन 4x। आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए dy बाय क्या निकालना है, dx। तो d sin क्या है, 4x। तो नीचे में का लेंगे, एंगल लेंगे ना, साइन थीटा को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे जोड़ रहता है थीटा, तो यही थीटा चाहिए ना। और फिर क्या लिखेगा, साइन का क्या होगा आंसर, cos 4x। और 4x का क्या होगा, 4 बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट क्या बोले थे बाहर, और dx बाय dx कितना होता है, dx बाय dx 1 होता है। तो कितना आ गया आंसर, 4 cos 4x हो गया। पहला का आंसर खत्म, बनाइए कल सिखाए थे कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है। अकेले रहे तो 0 होगा, समझे बात, ये नहीं कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और कल हम सिखाए थे तो वी लव लीनियर, जब भी लीनियर आए तो आंसर क्या होता है, कांस्टेंट। देखिए 4x लीनियर है कि नहीं, x पावर 1 है कि नहीं, आंसर कितना होगा, 4। तो आगे कि नहीं 4, समझे बात, जल्दी करते चलिए। अभी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का आंसर मुंह से बोले, पहले एक उतारो फिर आठों का बता। नहीं अभी याद, आप लोगों को भी सिखाएंगे कैसे आंसर बोलना है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक लगाने कैसे, देख दिखा दूंगा, एकदम आसान है ये सब, तो बहुत लल्लू पंजू कुछ क्वेश्चन सब है। अरे पूछता है इसी टाइप का, पूछता है बोर्ड में हल्लू का ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड तो एकदम सब्जेक्टिव में 4-5 किलो का रहता है, 2 आलू का रहता है। साइन 4x लिख लिए पहले, अब सुनिए, पहले एक मिनट सुन लीजिए तब लिखना, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिएगा, मुंह से आंसर बोलने आना चाहिए। देखिए साइन 4x था ना, एक मिनट सुनिए, इसका कोई पावर था, पावर तो नहीं था, बेस क्या था, साइन। तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। और कल क्या सिखाए थे, वी लर्न लीनियर, अगर लीनियर रहे तो कांस्टेंट आंसर हो जाता कि नहीं, 4x का आंसर क्या होता, 4। तो साइन का हो गया cos 4x और 4 हो गया आंसर। दूसरा का आंसर देखिए, माइनस साइन 5x और गुणे 5, खत्म, यही आंसर होगा, करके देखिएगा। tan 3x क्या होगा, sec स्क्वायर 3x गुणे 3, खत्म, cos tan 3x है ना। अब आगे जा दिए, cos x क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब
इंटू एक्स क्यूब का कितना होगा? थ्री होगा। एक्स क्यूब का क्या होता है रे? थ्री एक्स स्क्वायर में होता है, भूल गया, थ्री एक्स स्क्वायर खत्म। कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स तो पावर वाला चल जाएगा, कॉट एक्स का होल स्क्वायर चल जाएगा ना, तो स्क्वायर है तो क्या होगा, टू कॉट एक्स का पावर टू माइनस वन, तो टू कॉट एक्स हो गया। और फिर किसका करेंगे? बेस का, और बेस कौन है? कॉट एक्स से क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। करिए जल्दी जल्दी, करते चलिए, स्टार्ट करिए यहाँ से, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बहुत अल्लुक है, करते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, हो गया, करें दूसरा क्वेश्चन हम। जिसका नहीं हुआ हो इधर देख सकते हैं, d cos 5x बट्टे में d 5x गुने d 5x बट्टे में dx, cos 5x से कितना हो जाएगा? माइनस साइन 5x, और 5x का 5 कांस्टेंट बार, और dx पे dx 1 तो 5 हो जाएगा, खत्म। दूसरा, तीसरा, y बराबर tan 3x, y बराबर tan 3x, तो dy बट्टे dx बराबर d tan 3x बट्टे में क्या लेंगे? d3x, और d3x बट्टे में dx, tan का क्या हो गया? sec स्क्वायर 3x, और 3x का कितना हो जाएगा? 3 कांस्टेंट बार हो जाएगा ना, समझ रहे बात यहां तक? किसी को दिक्कत नहीं है? तीसरा, अब चौथा पे हाँ आगे कर सकते, गुना में 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2, दोनों का आंसर 6 ही होता है, समझे ना, गुना में कोई लफड़ा नहीं है। चलिए तीसरा के बाद में चौथा, y बराबर क्या है? cos x क्यूब, y बराबर cos x क्यूब, ये वाला जिसको नहीं समझ में आता है देख लीजिए, क्या करेंगे? डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स क्यूब बट्टे में क्या लेंगे? डी एक्स क्यूब, वेरी गुड, इंटू डी एक्स क्यूब बट्टे में डी एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, समझे बात? यहां तक आ गया, अब चलिए कॉट स्क्वायर, तो पांचवा, वाई बराबर क्या है? कॉट स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बट्टे डी एक्स, ये हो गया कॉट एक्स का पूरे का होल स्क्वायर ना, ठीक है ना, कॉट एक्स का पूरे का, तो क्या पावर वाला लगेगा? डी कॉट एक्स का होल स्क्वायर बट्टे में क्या लेंगे बताइए? ये लेंगे ना कॉट एक्स, बेस लेंगे कॉट एक्स, उन्हें डी कॉट एक्स बट्टे में डी एक्स, वेरी गुड, पावर फिर कॉट एक्स का पावर टू माइनस वन कितना? ये क्या हो जाएगा? और कॉट एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, समझ रहे बात? उसके बाद छठा, वाई बराबर टेन क्यूब एक्स, वाई बराबर क्या है? टेन क्यूब एक्स, मतलब टेन एक्स का क्या है? ये पूरे होल क्यूब है ना, टेन एक्स का होल क्यूब है, तो क्या करेंगे आप? डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी टेन एक्स का होल क्यूब बट्टे में डी टेन एक्स गुने में डी टेन एक्स बट्टे डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री टेन एक्स का पावर थ्री माइनस वन कितना? टू, और टेन एक्स का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, हो गया खत्म, समझ रहे हैं? कितना कैट हो गया? छठ हो गया। चलिए सातवा, छठो बना लिए सब, कहीं पे दिक्कत है इस छठो में? नहीं पहुंचे, कौन सा बोलिए? इधर की इधर, ये बोला कॉट स्क्वायर एक्स है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, कहां कॉट? कॉट स्क्वायर एक्स था, कॉट स्क्वायर एक्स मतलब पूरे कॉट एक्स का होल स्क्वायर होगा, ये लिखे कॉट एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर वाला लगेगा, तो ये जो रहते हैं नीचे उतारते हैं वही पावर लगाए, तो बेस नीचे में ना, फिर कॉट एक्स हो गया, फिर कॉट एक्स बाय डीएक्स हो गया, समझे बात? अभी मैंने समझे, और पावर वाला फॉर्मूला टू कॉट एक्स का पावर टू माइनस वन करिएगा तो एक ही ना होगा, इसलिए नहीं लिखे। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए हो गया, सेट हो गया, चलिए लिखिए सात आठ नौ दस, बहुत हल्लुक है, सेट हो गया, कल जो है टेन ए टेन भी दोनों को निपटा डालेंगे हम लोग, हाँ कल ले छुट्टी है तो परसों निपटाएंगे, परसों छुट्टी है तो मंडे को निपटाएंगे।
छुट्टी नहीं है वैसे, वो बनाते हैं टाइम टेबल देख लेंगे। चलिए छुट्टा हो गया सातवां। सातवां पे आए, सातवां करें हम, सात आठ नौ दस कर देते हैं फिर उद्भवता त्रि। सातवां है वाई बराबर कॉट रूट एक्स, वाई बराबर कॉट रूट एक्स, तो क्या निकालना है हमको, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी कॉट अंडर रूट एक्स बट्टे में क्या लेंगे बताइए पहले, हाँ नीचे में लेंगे डी रूट एक्स और फिर क्या लेंगे डी रूट एक्स बट्टे डी एक्स, तो कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर और जो आगे में है वही रूट एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब बेवकूफ सब क्या करता है रूट एक्स को स्क्वायर देख के एक्स कर देता है, नहीं रे एंगल है वो और ये कॉसेक का पूरा का स्क्वायर है समझे, और रूट एक्स का लिखा है दस बार लिखा चुके हैं, वन बाय टू रूट एक्स होता है, ठीक है इसका वन बाय टू रूट एक्स होता है, ठीक है हो गया खत्म। उसके बाद में आ जाइए आठवां, वाई बराबर क्या है अंडर रूट में टेन एक्स, रूट में टेन एक्स मतलब टेन एक्स का पावर कितना, कितना होगा टेन एक्स का पावर, रूट है वन बाय टू, तो क्या निकालना है हमको डीवाई बाय डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का पावर वन बाय टू बट्टे में क्या लेंगे बताइए, डी टेन एक्स, वेरी गुड डी टेन एक्स, फिर क्या लेंगे डी टेन एक्स बट्टे में क्या लेंगे डी एक्स, तो पावर वाला है तो वन, वैसे वन बाय टू रूट एक्स हो जाता है लेकिन आपको नहीं आ रहा है, चलिए वन बाय टू टेन एक्स का पावर वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू होगा तो ये क्या आ जाएगा, रुक जाओ उधर का अभी करेंगे, वन बाय टू रूट टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है और टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया, क्या हो गया आठ। अब नौवां और दसवां दो बच गया, समझ में आ रहा है बढ़िया से, हल्लू क्वेश्चन सब है बहुत भारी नहीं है सब, और जिसको भी कम समझ में आया हो YouTube जिंदाबाद उस पर जाके जो है देख लेना है, ठीक है कल वाला भी वीडियो और आज वाला भी, कल वाला भी आज वाला भी दोनों देखना है। नंबर क्वेश्चन y बराबर 5x 5 plus 7x का पावर 6, y बराबर 5 plus 7x का पावर का है, ये क्वेश्चन पहले देखो तब नोट करेगा कोई, हम ढक देते हैं, चलिए जल्दी इधर देखिए y बराबर 5 plus 7x का पावर 6 इधर इधर ना 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 उतारना इसको देखो पहले 5 plus 7x का पावर क्या है 6 है, देखिए एक तो सीख लीजिएगा तो फिर बना लीजिएगा x पूरे 5 plus 7x मतलब x, x का पावर क्या है n है कि नहीं, तो dy by dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 5 plus 7x का पावर 6 है, बच्चे भट्टे में क्या लिखेंगे वेरी गुड d 5 plus 7x गुने में क्या लिखिएगा d, और वी लव लीनियर बताए थे कि ना इसका आंसर वैसे मुंह से बोल सकते कितना होगा उसका आंसर डायरेक्ट 7 हो जाएगा लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, ठीक है चलिए इसका तो कितना होगा 6 5 प्लस 7x का पावर कितना 6 माइनस 1 यानी कि 5, ये समझे ये वाला को समझ के पहले, और उसके बाद देखिए 5 प्लस 7x तो d 5 बाय dx कितना होगा 1, अरे बता 0 और 7x से कितना होगा 7 हो जाएगा 7 cos tan बराबर dx 7, वैसे भी सिखाए थे वी लव लीनियर, जब भी लीनियर है आंसर क्या होता है तो अलग ही अलग है तो थोड़े हैं का किए हैं d 5 बटे dx प्लस 7 dx बटे, अब आया एक दसवां लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए y बराबर 3 माइनस 4x का पावर कितना है 5 है, dy बट्टे dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस क्या है 4x का पावर 5 बट्टे में क्या लीजिएगा बताइए 3 माइनस 4x इंटू डी 3 माइनस 4x बट्टे में dx, तो इसका तो पावर वाला लगेगा पावर 3 माइनस 4x का पावर 5 माइनस 1 इतना होगा, और देखिए 3 का कितना होगा डिफरेंशिएशन 0, अगर फिर भूलिएगा नहीं लिखे d3 by dx माइनस 4 dx by dx कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस 4 है ना, तो माइनस 4 हो जाएगा माइनस 4 इंटू ये कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म 10 के 10, उसको बंद कीजिए दबा दीजिए।